Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of shares and the concept is forfeiture and reissue of shares and wo shares which were allotted on pro rata basis. Yani pro rata basis mein jo share allot hua hai uska forfeiture reissue or how to find out capital reserve. The question is, Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 100 each and इसमें आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है आप अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो. एप्लीकेशन फॉर 120,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड. अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स and excess money received in application were adjusted on sum due on allotment. तो इस क्वेश्चन में आपके जो दे रखा है application 10 rupees 30 rupees और allotment आपको दे रखा है including premium 30 including premium 10 तो 20 plus 10 and first call 30 second and final call the balance वो भी balance लिखा हुआ है तो 100 से minus करो that is 20. तो आप कैसे करोगे ना 100 का शेयर है तो इसमें अगर आप 80 माइनस करोगे तो 20 विल बी देयर एंड दिस प्रीमियम विल बी देयर ओवर एंड अबव रुपीज 100. तो धोनी 1600 शेयर्स जिसको अलर्ट हो रखा था उसने अलर्टमेंट फर्स्ट कॉल दिया नहीं और सेकंड कॉल हमारा क्वेश्चन में हुआ नहीं. सरगम हु अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो आप मैं यही अज्यूम कर रहा हूं और ये भी एकदम दिस इज ए मस्ट कि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा. तो लिखा है सरगम हु अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स. सरगम 6000 शेयर के लिए अप्लाई करा था तो उसको अलर्ट कितना हुआ है 4000. कैसे ना मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा. तो जिस टाइम समझाऊंगा उस टाइम यहाँ लिख रहा है मुझे पता था तो मैंने पहले लिख दिया आपको. वो लंबे वाले चार्ट जो शेयर अलॉटमेंट चार्ट या वर्कशीट बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट स्टैंडर्ड 12th का लेवल में दैट इज नेवर रिक्वायर्ड. तो आपको बिना बनाए आपके टाइम बच जाएंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. तो इसके बाद ना क्या अलॉटमेंट शीट बनाओ जिसमें कि आपको एप्लीकेशन मिला था 120,000 और शेयर 80,000 आपने प्रोराटा बेसिस में अलर्ट कर दिया तो टोटल 120,000 एप्लीकेशन आया 80,000 शेयर आपने अलर्ट कर दिया. तो धोनी जिसके अंदर जिसने अलर्टमेंट और फास्ट कॉल नहीं दिया उसके बारे में एक 5 lines का कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसने जो पैसे दिया था तो उसका कुछ पैसे अलर्टमेंट तक जा रहा है एंड ही इज नॉट पेइंग सम ऑड अमाउंट इन अलर्टमेंट. कैसे ना एक सिंपल कैलकुलेशन करो 5 lines वाला मैं आपको समझा भी देता हूँ. तो दैट इज धोनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम धोनी. स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना इसका 4:2 इसको 40,000 में डिवाइड कर देते हैं तो 3:2 रेशियो आ गया. तो 16,000 शेयर्स इंटू 3/2 करते हैं. बट कभी कभी अगर रेशियो निकालने के बाद अगर एग्जाम के टाइम पे आप एकदम किसी स्पीड मोड में और स्पीडली स्पीड आपको स्पीड बढ़ जाता है काम करने के टाइम पे और 3:2 को अगर 4:3 ले लिया तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना बिल्कुल एरर ना करने के लिए 120,000 अपन 80,000 यहीं पे कटेगा ये आएगा 3:2. जिस बंदे ने को 1600 शेयर हमने धोनी को दिया था उसने कितने एप्लीकेशन से भेजा था तो हमने 80,000 शेयर अलर्ट करा है 1,20,000 एप्लीकेशन पे. तो जिसने 1600 शेयर लिया है उसने 2400 के लिए अप्लाई करा होगा यानी 2400 एप्लीकेशन भेजा होगा. दिस इज 2400 बाई 3:2 इज 1600 यानी हर 3 एप्लीकेशन पे 1-2 शेयर मिला है. दिस इज द बेसिक फंडा. तो डोंट डू इट 3:2/2 मेक इट 120,000/80,000 और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम इज 1600. तो इसने पैसे दिया 2400 × 30 एप्लीकेशन मनी 30 दे दिया तो दैट इज 72,000 और इसका कितने पैसे हम एप्लीकेशन में रखेंगे ना 1600 × 30 हम इतने ड्यू होगा एप्लीकेशन उसका बच गया
24,000, ये है एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ ओनली ध्वनि। तो ये पैसे से हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, लेस अलॉटमेंट ड्यू 1600 × 30 = 48,000। अगर इसने दिया नहीं तो दिया नहीं 24,000। पहले हम क्या करते थे ना, इधर से देखते थे, हम बोलते थे 1600 × 30, उसने दिया नहीं तो उसने दिया नहीं इतना 48,000। नो, इसने पार्शियली पेड नहीं करा, 24,000 पे नहीं करा, तो फॉरफिटेड अमाउंट होगा 72,000 और अलॉटमेंट इन एरियर होगा 24,000। दिस इज द बेसिक व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग, ये होता है इसके लिए। जो बंदे का जहां तक पैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अलॉटमेंट तक हो रहा है, कभी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तक हो रहा होगा, अगर उस इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट कर दिया तो ये कैलकुलेशन कर लेना। दिस इज ए सिंपल कैलकुलेशन जो कि बुक में भी दे रखा है, आपको अलॉटमेंट शीट बनाने का जरूरत ही नहीं है। नाउ सी, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट फॉर द अमाउंट्स फॉर सरगम। तो सरगम ने अप्लाई करा था 6,000 में, वाज अलॉटेड, उसने 6,000 एप्लीकेशन दिया था, उसको कितने शेयर मिला है उसका, इसका रिवर्स कर देंगे, 2/3 कर देंगे। और मैं कभी 2/3 करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ 80,000 × 1,20,000। यानी जो अप्लाई करा था 1,20,000 एप्लीकेंट को 80,000 शेयर दिया, तो 6,000 एप्लीकेंट को कितने दिया ना, 4,000 शेयर दिया। तो इसीलिए मैं ये 4,000 इसी टाइम इसको ऊपर उठाया और यहाँ पे इसको लिख दिया क्रॉस, ताकि मेरे पास पूरे क्वेश्चन का प्रिंट आ गया और एग्जामिनर को मैं समझा सकता हूँ कि आई हैव डन द वर्किंग्स इन दिस वे। तो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, इट इज 1,20,000 × 30, दैट इज 36 lakhs। नरेशन भी लिख दिया, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, वन सेम अमाउंट को मैंने क्रेडिट कर लिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 80,000 × 30, 24 lakhs। और जो बच गया दैट विल गो टू अलॉटमेंट, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया है कि इसका अलॉटमेंट कवर करके फर्स्ट कल करके सेकेंड कल करके रिफंड हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में ड्यू होगा आपके टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 × 30, तो दैट इज 12 lakh। क्योंकि 80,000 का 30,000 × 8 = 24 lakh अलॉटमेंट में ड्यू हो रहा है, जबकि हमें एक्सेस मिला है 12 lakh, ये 12 lakh अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो नेचुरली हमने कुछ ऐसे रिलेटेड नरेशन लिख दिया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर, रेस्ट 40,000 एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹30 पर शेयर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ रिलेटेड लिखो। देन फर्स्ट, देन अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 × 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 × 20 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 80,000 × 10। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट ड्यू 80,000 में ₹30 का, उसमें ₹10 सिक्योरिटीज प्रीमियम। देन पैसे लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 24 lakh से 12 lakh माइनस करो और बचेगा 12 lakh। 12 lakh से आप क्या करोगे ना, 1600 × 30 नहीं करोगे, ये धोनी ने जो दिया नहीं, धोनी ये फ्रैक्शनल अमाउंट दिया नहीं, 24,000। आप अगर 1600 × 30 करोगे और 48,000 आ रहे, बट धोनी ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया था एप्लीकेशन में जो कि अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, वो 26,000 दिया नहीं, मैंने एकदम कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो 26,000 माइनस करोगे, 12 lakh माइनस करोगे, क्योंकि 12 lakh पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रखा है, 26,000 यहाँ से आपका एक्स्ट्रा आ गया, इसको माइनस करोगे और आपके ड्यू अमाउंट था 24 lakhs। दिस इज ऑल, ये 24 lakh से इसको माइनस करके लिख दो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देन सिंपल एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000 × 30, 24 lakhs बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देन बैंक, पैसे मिलेगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो उसमें सिंपली 5600 माइनस करो 80,000 में और एंट्री कर दो, 80,000 माइनस 5600 दैट इज 74,400 × 30, दैट इज 22,32,000। देन हम फॉरफिट करेंगे,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसके बाद बोल रखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद दोनों का शेयर फॉरफिट कर लिया, सेकेंड कॉल हुआ नहीं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5600 इंटू मांगा, कॉल्ड वैल्यू है आपके 80, 5600 इंटू 80, और प्रीमियम मिला नहीं जो वो लिखेंगे, सरगम प्रीमियम दे चुका है क्योंकि वो अलॉटमेंट मनी दे चुका है, तो ये 1600 शेयर्स का होल्डर ध्वनि 10 रुपये प्रीमियम दिया नहीं, 1600 इंटू 10 16,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो पैसे मिला है, तो धोनी ने दिया नहीं 1600 इंटू 30 मत बोलो, दैट इज 48,000, धोनी ने दिया है 72,000, आप बोलोगे 1600 इंटू 30 दे दिया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 1600 नहीं उसने दिया है 2400 इंटू 30, 72,000 धोनी ने दिया है, और सरगम ने दिया है 4000 इंटू 50, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज 4000 इंटू 20, दैट इज 4000 इंटू 50, अप्लीकेशन 30 और अलॉटमेंट 20, तो दैट इज 2,72,000 दोनों का मिला के, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप मत बोलो कि 1600 इंटू 30 नहीं दिया सर, 48,000, नो, ही फेल टू पे ओनली 24,000, ये कैलकुलेशन में ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों लेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल इट इज 1600 इंटू 30 नॉर्मल, 1600 इंटू 30 दोनों नहीं दिए, 1,68,000, नैरेशन लिख दो, बींग 5600 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कर दिया, अब लिखो अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, दिस इज डन, इसके बाद रीइशू, यही शेयर्स, ये क्वेश्चन देखो, रीइशूड एट ₹95 पर शेयर, ये जो शेयर है ना यहाँ पे लिखा है रीशूड टू तरंग फॉर 95 पर शेयर एट ₹80 पेड अप, 95 पर शेयर ₹8.95 दैट इज 2000 इंटू 95, 1,90,000 पेड अप है आपके 80 पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप वैल्यू एक ही होता है, दैट इज 2000 इंटू 80 is equal to 1,60,000, to securities premium account that is 2000 into 15, क्योंकि 80 का शेयर 95 में बिक रहा है, being 4800 shares, being 2000 shares are issued at ₹80 per share, not 4800, only 2000, this is wrong, for 2000 shares, then आपके capital reserve, partial reissue, तो कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल रीइशू अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू, ये जो 4000 शेयर्स से आपके 2000 शेयर फॉरफिट हो रहा है वो रीइश हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है, तो 7200 डिवाइडेड बाय 1600 ये है आपके धोनी का, धोनी का पूरा शेयर रीइश हो रहा है, तो 72000 बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाई 1600 पूरा रीश हो गया, सरगम का बाकी, बाकी कितना 400, 2000 बनाना है, तो सरगम का फॉरफिटेड अमाउंट 200,000 है, आपको पता होगा 200,000 मैंने कहाँ से लाया, फॉरफिचर में आप देख लो, दो वेयर आई गॉट 2,00,000, ये देखो 4000 इंटू 50 2,00,000, ये 2,00,000 बाई 4000 इंटू 400 माइनस डिस्काउंट ऑन रीशू 0, द आंसर विल बी 92,000, ये 92,000 को आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, कीप ऑन स्टडिंग, अगर एक ही बारी में समझ में नहीं आया तो बार बार क्वेश्चन पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, आंसर कैसे मैं समझा रहा हूँ देखो, एंड दिस विल बी डन।